लो जी लाइव हो गया दोस्तों। जेडे उस्ताद मूसवाड़े वाली छत ते लाइव है, बड़ा है रास काल दा आगाज है। दो तीन दिन पहले से स्टेटस आया सी ते उस्ताद मूसवाड़े वाले साहब कोई अपना कोई इजहारे बयान करना चाह रहे ने, लेकिन गुजरां दे वेचे हालात की खराबी की वजह तो ना नैट की सर्विस बंद सी सारे गुजरां च, और मज़ाफात हाफ्ताबाद नौशहरा विरकां जिन्हें तक दोस्त आते ने असर कुछ छतरा मंदिर दिखाने सारे की छत का। ये रंग संघ होने वाला दोबारा अभी लाइट देखो ठीक है। लाइट बल तस्वीर ठीक आ रही है। हाँ जी जी उस्ताद जी अपना मौकफ देना पे इस वास्ते के लोकी तरह तरह दिया गल्लां करदे बंद कर लाहौर गुजरात सियालकोट गुजरात इन्ह शहर मेरा जरा तलक है वह मैं तुम दस लगा एक निकी छत होंगी तो मैं कबूतर वाली करना हाँ। मेरा उस्ताद इकबाल खान साहब ने फौत हो गए ने, उस तो बाद सलाम खान साहब ने वह भी मैनू उन्ना ही प्यार कर रहे ने जिन्ना मेरा मेरे उस्ताद कर रहे हैं। मैं भी उन्होंने इन्नी इज्जत करना वा कि जिनी मेरी औकात है मैं उस तो वध करना। उत्ते जो बाधी उठ जी भाई गोगा मेरे को आया पाया आद्या आद्या इना तलब हो गया कि 40 साल हो गए अज तक ना उन्हें कभी मेरी गल नुंजे पैन दिया ना मैं कभी ओरी गल नुंजे पैन दिया। तो मेरा हो गया सियालकोट का तलक। लाहौर का तलक जरा मेरा अमर इमरान इन्होंने मेरा बने एक इंज बनया वे कि मैं मुला साहब ने बाजियां ला लिया एक छत लाहौरों देनी है ते बाकी उन्होंने गुजरातों देनी जो भी बाजियां लगी होया कि बाजी ला ली तो छत कोनी चंद किलो मैं अगे कोई जानता नहीं सी। तलक जेड़ा होंदा ना उन्होंने ये मैं दसन लगा तलक की होंदा इंसान को खानदानी किसी ना खानदान के नाल तुरे ना तो पता लगता कि खानदानी लोग है। तारक ने तारक भट्ट साहब नाले भरा अमर ने गल की थी कि यार मुस्तफा जरा ना उस्ताद मुस्तफा थोड़ा जहाँ ना भजा फिरता पे छत वास्ते कुल छत दी लभ गए उत्थे बैठा सी पट्टी हूँ पट्टी पट्टी साहब उन्होंने आंदे ने मैं ना दा नहीं वाकम उन्होंने कहा जी अमर आली छत लिया दिने इमरान आली। भट्ट साहब ने उहदे नाल तय कर ली तय करने बाद लंच का टाइम सू देता लाहौर का कि आ जाओ जुगे जाके घर बैठे घर खाना वाणा खाता भट्ट साहब से गलबात शुरू हुई उन्हें क्या जी आ भाई इमरान है तो इन्हों की छत जी तुझे उतो शौक कर पेलों मैं छत्त फेरना हाँ बंद देते पे
कोई आंदा जी मेरा 4 साल कबूतर है, कोई आंदा जी मेरे 5 साल कबूतर ने, मैं कबूतर बाई होने असी कबूतर बाई उन्होंने मानने जो 1 साल से गुआ के अगले साल नवे बनाए। जो मैं इमरान को गया इमरान ने मेरी डिस्कस हुई ना, उन्हें कहा 2 साल तो मैं कबूतर नहीं छड़ता पे उत्ते अभी मियां नदीम की छत काम कर किस्सा मुझसे रहे कि हाथों बाजी डाली। हाल ही तक भी इमरान का अल्लाह उहदे पाल साहब न जन्नत अल फरदौस एक जगह दवे, वह जो भी मैं जाना ना लाहौर उन्हें जिथे भी होना ना उ आ जाना मेरे को, इन्ना प्यार करते हैं। इमरान नाल भी उंजी है, तारक नाल भी उंजी है, अमर भट्ट नाल भी उंजी है। फिर उस तो वड्डी गल है वे कि अमर भट्ट का जेडे उस्ताद हुई ने ना जिन्होंने आंदे ने लतीफ साहब आजी लतीफ साहब लंडे वाले दे नाल मशहूर, वह भी मैनू उंजी प्यार करते। इसे तरह गुजरात है मेरा शिगिर्द जिन्हों आंदे ने शाहद भट्ट साहब शमस खलीफा मेरा जेड़ा हूं मेरा, वो भी साल साल हो गए 40-30 साल तो मेरे नाल ने। इसे तरह ही खावर पट जिन्हों हूं मैं पग दे के आया वा, उन्हें नाल 15 साल तो मेरा खलीफा वे, तो हूं मैं पग धक्केना बनी। पग बनने का मतलब की हुंदा वे, पग बनने का मतलब यह हुंदा वे कि मैं तुहानू पग पाई थी है मेरे नो तुसीं फारग हो। पग बनने जो असी शकीनियां करने हैं ना उदों उस्ताद पग बनने लगे सारे उस्तादों को पहले दमाद च लैंदा है कि यार मैं इहनू पग बननी, एक भी नहीं ना मनदा तो आंदा यार फलाना बंदा नहीं मनदा, वो सारे रल के जाके उहनू मनांदे सन। हुण तां पगां हो गईआं ने पगड़ियां, हुण मैनूं पता लग्गा कि गुजरां दे विच 5 बंदे जिहड़े ना मेरे शिगिरद, मैनूं पता 5 मेरे किहड़े किहड़े शिगिरद ने उन्होंने पगां बजीआं ने, जी वह पगां वापस आने लगे मैनूं कद देनियां ने पगां देण उन्होंने जिन्ना बनियां ने। मैं तो मैनूं तो यह आ सकदा नहीं शिगिरदी तो फारग मैं तां ठीक है, लेकिन तरह तरह दीआं गल्लां सुण के ते बाद विच पता लगा 2 बंदे जिहड़े ना जिहदे विच इक रजी बट्ट है, यह नहीं कोई कोल बैठा तो मैं गल कर ये 5 पगां दे विचों एक पग ते आ बैठी है, एक पग है शेख गुलजार वाली। शेख गुलजार दे कोल आदमी भेजे गए ने कि उस्ताद दी पग वापस करो, उन्हें कहा मैं हलाल तां वां हराम तां नहीं, हाली कि उन्हूं इस व्यू दा भी नहीं पता कि पग जिन्ना बनी उन्हां नूं दे जाके मैं की करनी है। पग पग जिहड़ी है ना यह हरीफ बन देने, हरीफां दा हथ लवाईदा वह सारे मुतफिक हो के वह पग बन देने, मेरी पग नहीं हो जिहड़ी कोई मैनू को आखे तेन वापस देनी है मैनू कली देनी है। पगां दवाणियां पगां लैणियां एक घटिया लोगों का काम है, बंदे नहीं करते। साढ़े गुजरां च एक पग वापस हुई है, आदम भलवान फौत हो गए है, पग वापस करने वाले आख्या जी अभी आदम भलवान की पग वापस की, फिर कवर ही जाग दो पग तो रीफा नहीं उन्होंने दो जाग लो जी अपनी पग जी मैं तो हाँ मैं बनी है फलाने बंदे क्योंकि पता तो होंगे ना मेरा रीफ हो गए। वो आके मेरे शिगिरद नूं पग बन, शिगिरद नूं नहीं पता कि मैनूं उस्ताद मुस्तफा पग बनता पाया, उस्ताद नूं कल ही दिंदा जाके वो आके मैनूं दवे कि लो जी भाई आ तुहाडी पग है तूं सानूं बन्नी सी, उहदा तां वास्ता मुक गया जदों पग बनी। साडे जिहड़े उस्ताद सन ना वड्डे वडेरे जिहड़े पहलों चलदे हुंदे आ उह किसे नूं पग बनदे हुंदे आ तां आंदा मूंह मगरों ला खड़े ਅਗੋਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪ ਕਰੇ ਪੱਗ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ ਪੱਗ ਤੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਲਾਓ ਜੀ ਹੱਥ ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਪੱਗ ਕੌਣ ਬੰਨਦਾ ਰੀਫ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨਣ ਡੈ ਪੈਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਫ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹਰੀਫ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆ ਪੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 5 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 8-10 ਪੱਗਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੌਰੀ ਮੋਈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਦਮ ਭਵਾਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਚਮੂਣੇ ਲੜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਟੇ ਆ ਕੇ ਬੈਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਛੱਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਚੋੜੀ ਨੇ ਫੜਾਫਾੜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਦਫਾਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਘਟੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦਾ ਵਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਦਿਨੇ ਮਾਰੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਅਗੋਂ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਸਤੋਂ ਐਡਾ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਨੇ ਫੁਸੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਗੁਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪੱਗ ਰੀਹਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਗਿਰਦ ਕਰਨਾ 15 ਸਾਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਬਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੇਖ ਗੁਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦਾ ਵਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਘੁਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਭਗਵਾਨ ਦਫਨਾ ਵਾਂ ਬਾਊ ਮਲਕ ਆਸਮ ਆਜ਼ਮ ਨਸੀਰ ਖਿਲਜੀ ਅਤੇ ਅਸਲਮ ਪ੍ਰੈਮ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਥੁੰਡਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਪੜਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਲੱਪੜਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗੁਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ
जो बंद मैं ना लिया मैं उन्होंने दिलों इज्जत करना वा उत्तों भावे मैं मजाक मजाक ना उन्होंने मजाक करता रहा वो वक्री गल है लेकिन आज चार घर ने लाहौर आए देखो जी मैं जो लाहौर बनना अमर भट्ट भट्टी साहब कितने ने मरान दे कोल जाना उन्होंने मेरा तलक कराया इन्होंने मेरा हाल सिंह बरकरार है लाहौर जा सियालकोट जाना है जो टस्का लंघना एकदम ओ की ना है वो नहर आँदी अगे मोतरे वाली उत्थे जाना कड़क फोन करना भाई गोगे भाई जी मैं आ रहा वा सा सलाम खान आयो उन्हें आखना नहीं तू मेरे अल आ तो टुर जाना उन्होंने ना लै के उतो टुर जाना इतों तक मेरी दौड़ ना मैं सियालकोट किसी दोस्त बनाना चाहना वा ना मैं कोई शिकायत करना चाहना वा ना मैं कोई लाहौर ही करना चाहना वा मैं इन्हों बंद इज्जत करना वा इन्हों बंद शौक कर शौक हद तक तो लग गए जलालपुर मैं जिंदगी दे दो तीन नर गया वा इस तरह ही मेरा बरार शिगिरद इन्नी इज्जत करता है इन्नी इज्जत करता है यह नहीं कि मैं कोई खुशामद कर हकीकत दस वा भाई जमान है कभी गुजर वाले आए हूँ तो मेरे को लोग जाते हैं ना उन्होंने को मेरे को खाने का शौक है ना मनु को खाने का शौक है वो भी खाते पीते घर देने असं माड़ा मोटा खा के सौने तो गल इज्जत होंगी ए इज्जत जी ना यह बड़ी मुश्किल लगती है तो असं जे भज भज के उन्होंने शिगिरद कर उसताद कर शिगिरद कर नहीं करना चाहिए बाकी जे कोई बंदा आखे ना मैं उतू वा गलत बंदा को नहीं जे कोई आखे मैं किसी की गल लैके तुर पाया वा तो उन्होंने छाला उदू घटिया बंदा को नहीं जेड़ा बंदा एवं फजूल गल्ला करे उदू घटिया बंदा को नहीं मेरी गल अगर किसी नूं पता लगता कि उस्ताद ने या मुस्तफा ने मेरे खिलाफ आ गल की मेरे नाल आके शेयर कर लवे मैं गलत होवांगा इंशाला मनांगा अगर मैं नहीं की होगी तो मैं कहूंगा मैं नहीं की उस गल्ला सुन के लोगों को उन्होंने जवाब देने घटियापन होंगे लोगों का कि तू घटिया बंदे को नहीं देखो जी छत के उत्ते थोड़ा जहा बनया माहौल गलत होया वे रजी थोड़ा भज के इतने आ गया इन्हें आन के जो भी कवरिंग की है भजनस की है ठीक है अपनी जगह तो लगा रहा मैं नहीं इन्हू कहा तू फलाने वाल जा फलाने वाल ना जा किसी बंद ने मेरा मारता जी तू तीन साल कितने रहा इन्हू पुछो यदि भतीजे की भतीजी की शादी हुई है तो मैंने बुलाया मेरे दोवे बालों की शादी हुई है मैंने बुलाया साड़ी बिगड़ी कितने वे बिगड़ी है सिर्फ कबूतरबाजी है थोड़ी जी नाराजगी हुई है तलक तो नहीं खत्म होया ए होंगे ने खानदानी को जो तलक नहीं खत्म करते कबूतर बड़े खत्मा सिर खान कबूतर की औकात की है कबूतर की औकात पता की है एक किड्डा वफादार जानवर है समाने गए उसको बुला पै गए थले पै गा क्डन डे यही हाल इन्हें कबूतर बाद सौ किसी नेकी की हो एक दिन ना करो तो वो मुतलक गल शुरू कर देंगे ने खुदा दे बंदे कभी सच बोल के देखो थोन पता लगे दुनिया कितने रही है झूठ लैके तुर पैना झूठ दिया बुनियादा खाने पीने गिनने किसी के यह घटिया लोगों का काम होंगे बंदे का कोई काम नहीं इस वास्ते ना तो इंशाला तला रही मेरी जिंदगी जिन्ना चिर रहना मैं अदम भलवान दफे च तलक मेरा सारे नाल ही है चांद महर ना भी तलक है राणे जहंगीर ना भी तलक है नदीम मीर नदीम ना भी तलक है तो मैं हूं पार्टियां बदलता फिर अच्छी गल नहीं मेरे भरा ने मेरे रीफ ने मेरा शौक कर देने बाकी रह गई गल शौक की दादी कसम गुजर वाला कभी भी छत्त छ अस्सी छत्त भी देना बाजी लाने की मैं तो एडा सिर फिर बंदा वा आ कबूतर तू वेख ही लेना जो कुछ मेरे फिर पाया भाजी मैं भाव सारे आखिर मैं सारे ला लैनी है शौक कराना हर जा गाँव कि शहरों तो नहीं कड़ छना साल साल हो गए जुते हैं लोगों सारे गुजर वाले जुते है मुनु किसी नहीं आख्या गुजर वाला तेरा कबूतर वही है ना ना कभी एक्टिंग ना जुत के पोस्टा चाड़िया ने ना कभी किसी मेहना दिता है ना कभी किसी गलत आख्या कोई बंदा आखे ना फलानी छत से इंज हों उ बंदा घल चढ़ी दे गलत नहीं आख मुस्लिम साझा कर जो थोड़ा जो शगिर्द उस्ताद किए ने बंदे फर्ज करो कि अगर माहौल चलता पाया ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਰਹੀਆਂ ਹਰੀਫਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟਣ ਪੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਫਾਂ ਨੇ
जिनी बिस्ती होनी है रीफां दी हुंदी है। देखो हुण आदम भलवान फौत हो गया, उन्हें आख्या जी मैं आदम भलवान की पग वापस की, उन्हें कबर ही जाग दे गया, उन्होंने आ लो जी भाई पिछो मोरा कट होना, लो जी सा जी अपनी पग, फिर तो हुई बंदे वाली गल, पग बनी है रीफ ने, तेन पता केड़े रीफ ने बनी, उन्होंने जाके आ लो जी पग तुसा हूं बनी है, मैं नहीं रखा अगो। मैं ना बंद मत मारी है कि सोचना चाहिए कि अं करन की डे हैं, एक बंदा दुनिया से नहीं आया, खुदा की कसम है मैं खुद वेखे इस बंद आदम भगवान के पैर फटते हैं, उन्हें करा माफी दे दो, अज दुनिया तो नहीं रहा तो नजरअंदाज हो गया, किसी की मगरों तारीफ करो इंसान नहीं थी, मेरी हो रहा कि मुहालत थी आदम भगवान न, मेरिया बारियां भी उड़दिया रही ने, आख्या नहीं यार बंदा ना ये तो नहीं आख्या जी फलाने टाइम उन्हें गलतियां इंसान घूमदिया बनिया ने, हूं वह मुंडा मेरी अपने प्यो जी नहीं इज्जत करता, वो मेहरबानी है ना करेगा तो मैं उन्हें भी आख लेना, पर कुरान भी तो चाहिए है ना, हूं मेरी इज्जत करता तो मैं उन्होंने हर वे आखा नहीं तो इतों गलत उन्होंने समझाई दा पुत्रा इंज नहीं तो इंज कर लै, वो पग भलवान होर बहु मलक के सिर ते, मैं यकीन करो कि जिथे भी जाना हो मैं बहु मलक अगे रखना, हूँ किसी वजह तो मैं पता कि वजह तो मेरे नाल गुजरात नहीं गया, जलालपुर नहीं गया, लोगों ने आखिर गुजरा ने टुरे को नहीं, भाई गोगा ने टुरै, भाई गोगा तो मैं हूं आखा इतने आ तो भजाएगा, मुनू आके हूं ही आ उसे मैं उतर टुर जाना, पता नहीं लोग कि गल कहावत लैके टुर पे की करना चाहते हैं, नहीं भी आता बंदा टाइम कम हों बंद, खान साहब ने मेरे नाल नहीं गए, यदा मतलब मेरा तल खत्म हो गया, वो मुनू पता क्यों नहीं गए, क्योंकि मुनू उन्होंने 12 बजे फोन किया कि मेरा पुपी का पुत्र फौत हो गया, 2 बजे का जनादा है, वो किमें जा सकते हैं उसे, लोग एवं भला भला दी गल पद मारी आने कुसियां मारी आने, घट खा लवो थोड़े अंदर गंद घट हो गए, उन्ना खाओ जिन्ना हजम हो जाए, तो बंदे सोचना चाहिए यार, एक बंदे देखो मेरे तलक ने तेरे नाल भी ने सारे नाल ने, चोरी मोइन आदि नाल ने, मीर मुख्तियार नाल ने, मीर मुख्तियार ना चलो मेरा मजाक मजूक नहीं है, चोरी मोइन आद मेरा मजाक भी है लेकिन ये वे कि चोरी मोइन आद सोचना चाहिए कि मैं एडे वे उस्ताद का शिगिरदा, उस्ताद रधाक की शिगिरदी से इंज ही है ना, देखो कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ना, जेड़ा कोई बंदा फारग हुंदा है या पार्टी तो कदा तलक हुंदा है, ले जी मैं उहदी पग बह वापस करना, पोस्टां लगदियां ने, असीं आ देखदे आ मीशो सोशल मीडिया अज कल भी आंदा है, कोई अगर शिगिरद वेखो ना हुण वी आउंदा, पहले भी मैं देख रहा हां कोई शिगिरदी छड्डी ना, तो मैं जी अपने उस्ताद दी शिगिरदी दा सीफा दिता है, इस तादी शिगिरदी दा असीं मौजू ते गल कर रहे हैं, तुहाडा मकसद है कि जिहड़ा है गल दरवाजे ते कि पगां वापस करनियां जां देनियां, शाम दा टाइम है मैं गलत नहीं आखांगा, हां जी एक बंदे ने मैनूं कहा जी उधरों 2 शिगिरद आ रहे ने तुहाडा शिगिरद होना चाहुंदे ने शौक कर देणे, हां जी मैं कहा मैनूं चाह ही नहीं आ शिगिरद वाला, उन्होंने जिथे आ उथे मैनूं की लोड़ क्या है शिगिरद तोड़ के अपना करो, हां जी मकसद की कटना मैं देखे, हां बिल्कुल मैं शिगिरद करी आवां, एक जाल तो उतरा दूजा जाल तक चढ़ जाए, जिम्मे लपड़िया कबूतर नहीं होंगे कभी जाल तक कभी जाल तक रटिया ही जाके भुखा मरद, मैं वो अपना हाल क्यों करा, मैं बैठा वा मैं शौक करना वा, मुनू कोई बंदा आने कह के शौक हों, मैं ठीक है मुनू की लड़ है आखन की, मैं आखा फलानी छत तो आया फलानी तो आया, इं छत तो बाली ला के जिसे चंगे उठन उसे जाके मैं आप पै जा, दूजे दरील होने मेरी ये कैटागरी नहीं है, मेरी ये कैटागरी है कि मेरे बंदर ने कुछ नहीं है, टगे दे कबूतर नहीं है, हूं इधर मैं लावांगा, जे रब ने मेरे नसीबा जुद दी है तो मैं जुतना है, जे हार है तो मैं बड़े बड़े सिकंदर रख के भी हरे आवा तो बड़े बड़ा निल हो गए मैं जुते आवा, लेकिन अक्सरीतन अक्सरीतन गुजराने के चंद बादिया ने जिहड़ियां एका दुका करके मैं एक एक बंदे ते लिया रहा, साल साल भी साल हो गए मैं शौक कर रहे, बल्कि 40 साल हो गए, सिर्फ एक साल शौक नहीं किया जिदन मैं लाहौर बाजी डाई है, वह साल मेरी छत तो बाजी नहीं, मैं कुछ साल में सुहाद नहीं थे उत्थे, मैं अद्धे मरले की दुकान के उत्ते मैं कबूतर रखे हैं, तो उत्थे मैं धुप्पे बह के कबूतरबाजी करके उत्थे कबूतर डाई देने,
कबूतर कबूतर की मालिया दे थाप दे दोस्त मैं बड़े देखने क्योंकि चलो असि फिरदे टोरदे रहने दोस्त जो वड्डी मालिया दे कबूतर लैंदे ने तुहाडा एक पाकिस्तान च नाम है तो चलो मैनू भी बहाना लग जाता कि मैं यार उस्ताद मूसा वेखो कहना मैं गले दो 300 का लिया आना वा तो मैं कहना यार तुसी क्यों लोगों नूं पिछे भजांदे हो मार कैमरा इधर थले जिन्ने भी बार पाए ने हां जी 80 कबूतर मैं लाहौर आंदे ने 300 रुपया पा ठीक ते इन्हां दे नाल मैं जेड़ खेड़ना इन्हां जो 10 भी ना लगन दे सत मैं बादी च पावांगा त्रै मेरे को फिर बच जाने ने 80 कबूतर लियांदे ने जिन्हां दे विच 16-17 बच्चे आए ने जिन्हां च मैं दो त्रै खेड़ के उत्थे सुट भी लए ने ठीक ते मैनूं की लोड़ जोड़े रख के ते आंडे चुक जिंदगी बल्कि तीन नहीं चार पांच ने एक शबीर सैन है एक मेरा भतरी भी भतरी है इमरान भी भतरी है एक भाई इस्लाम खान है एक भाई गोगा वे एक इमरान है बकर मंडी आला किले सोचना चाहिए बंदे जे मैं किसी दे बारे गल करना मेरे बारे ही करा जे मैं नहीं किसी करदा फिर की केड़ा ब्लड है जेड़ा उन्होंने लोन नहीं दिंदा क्योंकि दुनिया आंदी है जांदी है तलक हुन पांदा जांदा है ये कुछ जरूरी नहीं होंदा कि मैं देखो ओ की आंदा ओ की नाल इहदा वे आलम लोहार साहब कि सदाना बागी बोल बोल बोले सदाना बार बहारा सदाना मापे हुसन जवानी दा सदाना सोबत यार यार हुंदे जांदे ने इस तरह ही वेखो जी असा साडे नाल उहने बयान दित्ता वे शेख साहब ने असी अपने वड्डे काम पान दा मुजारा कीता असा गया यार मुंडा वे बाल है साडा चलो इंज इधर फिरन गया फिट और आया कोई गल नहीं फिट और लवे यार की है बंदा बाहर निकलेगा उन्हें पता लगेगा मेरी औकात की है देखो जी ओदी छत भी अपनी ओदा सारा कुछ अपना ओ तेरा खेड़ खूड़ लवे आ जाना हो वापस जाना किथे तू लेकिन जेडे बंदे को छत भी नहीं है उन्हें तो जाके खजल खराब ही होना ना तू ब्याह जाके हुंदा फिर मेरी सिहत की असर वो जो उम्मीद ना रखे कि मैं कल नू फिर वापस रस्ता रखा क्योंकि मेरे इसलिए बराबर का शेख गुरदा रजी बाटे ए छत अपनी है बराबर दे जी छत है बराबर दे जो खेड़ खूड़ लाऊंगा तो कोई गल नहीं यार बाल ने तो वड्डापन वहाना चाहिए ना या तो होना इन्हों का वेखो जी साडा तलक मुक गया या शेख साहब का मेरा तलक मुक गया फिर तो बंदा होंगे जे मैं उतर के थले तलक ही मुका दें तो फिर मेरा अपना तरफ तरफ है ना किसी तक ही जाना असि देखो असने जो बंदा इस हद तक ना टुट जाता ना कि तलक मकान तक उदू घटिया बंदा कौन नहीं होंगे तलक नहीं मकाना चाहिए शौक आने जाने वाली गल है अस बड़े बड़े वे बंद वेख्या तलक मकाते हैं छोटे बंद तो गल ही नहीं करते तो होंगे छिदे छोटे दाना उन्हें छोटी सोच होनी है वे वड्या वेख्या दुनियादारी तो होर भी मामलात ने खुशी गमी है इंसान आवे जावे ए नहीं कोई शौक तो असीं मद्देनजर रख के अपना मरण जी भी मुका लई है जी हुण साडा चोरी मुजरमां दा मतका लग गया ओ आंदा जी लोकल ने ही इन्हां नूं लोकल बन के विखाउणा ही आई लोकल आ ठीक असी क्यों आखिए कि हाँ कलगी वाले जो साडे सिर ते दो काने बजे ने तू बन्ने ने तू बनी रख सही कोई गल नहीं जदों लोड़ पएगी एक ला लांगे इस आज अच्छा काल लंबी भी होंदी क्योंकि लंबी काल दोस्त ना ज्यादातर दे देखते लाइव काल तुहाडा मौका आ गया जिदा तो जे कोई गल जिहड़ी तुहाडी दो हरफी गल जिहड़ी एंड ते मारला कैमरा
ਤਾਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਲ ਕੁਨਾ ਪੁਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਆ ਮੇਰਾ ਪਤਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਨਦੀ ਪੜ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ताबेदारी करने प्यार करता जेड़ा जेड़ा सा प्यार करेगा जी ताबेदारी करा जेड़ा सा नफरत करेगा जी दो तीन नफरत करा असि नहीं ये चाहते कि नफरत करिए कोई करेगा तो फिर जवाब तो नफरत ना देना चाहिए बाकी यह है कि किसी को जान तो किधर नहीं रोकना चाहिए कुछ जिथे मर्जी पर फिरे जाना तो नहीं फिरना चाहिए बंदा जिथे मर्जी फिर जा। बहुत शुक्रिया फिर अल्लाह।